हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ तानिया वेलकम बैक टू माय चैनल तानिया टॉक्स एंड रिएक्शन तो फिर मैं हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एंड गल्फ़ कंट्रीज़ रिएक्शन ऑन नोपू सरमा गल्फ़ कंट्रीज़ ऑन इंडिया ट्रिब्रो ऑफिशियल की वीडियो है तो वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप वहाँ जाके इनके चैनल को सपोर्ट करिए और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को भी लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं वीडियो देखने के बाद बात करेंगे सो फ्रेंड लेट्स स्टार्ट वाचिंग द वीडियो लोग इन दोनों नुपुर शर्मा के बयान से खाड़ी देशों में खलबली मची हुई है कतर कुवैत ईरान जैसे देशों में इंडियन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार चल रहा है जिसकी वजह से बीजेपी को नुपुर शर्मा को निलंबित करना पड़ा जो कई बीजेपी नेता कार्यकर्ता और बीजेपी सपोर्टर्स के गले नहीं उतर रहा लेकिन अब सवाल उठता है की नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या कहा जो खाड़ी देशों को हजम नहीं हुआ तो भाई नुपुर शर्मा ने टीवी न्यूज चैनल की डिबेट के दौरान कहा था की कुछ लोग हिंदू आस्था का लगातार मजाक उड़ा रहे हैं अगर ऐसा है तो वह भी दूसरे धर्मों का मजाक उड़ा सकती है इसके बाद उन्होंने वही कहा जो दस साल पहले जाकिर नाइक खुद बोल चुका है लेकिन अफसोस नुपुर शर्मा के बयान आरोप पाकिस्तान समेत खाड़ी देश तो आपत्ति जता सकते है लेकिन जाकिर नाइक के खिलाफ कोई भी खाड़ी देश एक शब्द नहीं बोलता जबकि जाकिर नाइक ने भी वही कहा जो नुपुर शर्मा ने कहा था क्यों? भाई चलो मैं मानता हूँ किसी के खुदा भगवान के बारे में बोलना गलत है तो भाई ये कहाँ तक सही है जो पिछले कुछ हफ्तों से शिवजी और शिवलिंग के बारे में भद्दे पोस्ट किए जा रहे थे इस पर कोई खारी देश क्यों नहीं बोलता एम एफ हुसैन हिंदू देवी देवताओं की अश्लील पेंटिंग इस पर कोई खारी देश क्यों नहीं बोलता पाकिस्तानी साजिदा अहमद हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें जलाती है इस पर कोई खारी देश क्यों नहीं बोलता अगर नुपुर शर्मा गलत है तो ये दूसरे धर्मो का अपमान करने वाले लोग सही कैसे क्यूँ कोई खारी देश इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता भाई अगर ये दूसरे धर्मो के देवी देवताओं का अपमान करें तो अभिव्यक्ति और अगर कोई दूसरा इनके बारे में बोल दे तो इन पर हमला आहा, आहा, और भाई ये देखो सबसे ज्यादा उछल कौन सा देश रहा है कतर जो साला खुद आतंकी फंडिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में शामिल होने की कगार पर है और भाई ये वही कतर है जिसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले एम एफ हुसैन को अपने देश की नागरिकता दी थी और आज ये ज्ञान दे रहे हैं भारत को इसको बोलो बाबा चोर ये चीज और जाओ तुम्हारा चाय बनाओ उसका चाय अच्छा था हम लोग अभी दो रूपए भी पकड़ेगा इसका चाय एक रूपए पहली बात जो मोदी जी के पीछे पड़े हैं एक बात बताओ मोदी जी ने कोई बयान या <laughs> खुद दिया है जो मोदी जी के खिलाफ भोग रहे हो और भाई इन देशों की औकात देखो जो देश सबसे ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं उनकी जी डी पी कुत की कुल जी डी पी एक सौ बत्तीस बिलियन डॉलर कतर की कुल जी डी पी दो सौ छह बिलियन डॉलर और जितनी इन दोनों की कुल जी डी पी है उतना तो अकेले भारतीय कंपनी टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 300 बिलियन डॉलर और बात करें इंडियन इकोनोमी की तो वो है 3.5 ट्रिलियन डॉलर और भिकारी पाकिस्तान का है इतना सारा पैसा और भाई इन देशों के तेवर सिर्फ तब तक हैं जब तक इनके पास तेल है जब 20-25 सालों में तेल नहीं होगा और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी तो साले सब के सब पाकिस्तान की तरह भीख मांगते नजर आएंगे बाबा ये बात तो गलत नहीं है भाई भूलो मत ये वही देश है जो उन्नीस इंडिया पाक युद्ध में पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए थे केवल इसराइल था जो खुल के भारत के सपोर्ट में आया था और मदद भी की थी लेकिन अब सवाल उठता है कि ये इतनी फैलाई किसने जो नुपुर शर्मा का बयान अंतर्राष्ट्रीय विषय बन गया तो भाई इसको लेकर लोगों का कहना है वर्ल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर के अकाउंट को अब जाकर देखिएगा हिंदुस्तान का जर्नलिज्म का मुखौटा पहनकर इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की सरकार को पूरे विश्व भर में बदनाम कर दिया है और बाकी बची कुची कसर पूरी की पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने भारत की इमेज खराब करने के लिए अलग अलग देशों से भारत हथियार ट्विटर पर ट्रेंड चलवाए ताकि दुनिया में भारत की इमेज खराब की जा सके क्योंकि इनके पास अब तक कोई हथियार था नहीं जो खड़ी देशों को भारत के खिलाफ कर सके इन्होंने अपना हथियार बनाया नुपुर शर्मा के बयान को जिसकी वजह ऐसी यू सऊदी अरब जैसे देश जो तीन के मुद्दे आरोप भारत के साथ खड़े थे वो भी भारत ऐसी नाराज नजर आए हालाँकि इनका नाराज होना जायज भी है लेकिन सवाल ये उठता है की चीन द्वारा बीगर मुस्लिमों आरोप हो रहे अत्याचार के खिलाफ कोई खाड़ी देश, हाँ। हाँ। देश क्यों नहीं बोलता पाकिस्तान में के बवाल पर कोई खाड़ी देश क्यों नहीं बोलता तालिबान द्वारा किए जा रहे अफगानियों पर अत्याचार के खिलाफ कोई खाड़ी देश क्यों नहीं बोलता भाई इंडिया में कुछ घटित हो और पाकिस्तान उसमें न कूदे ये तो असंभव है शहबाज शरीफ ऐसी लेकर कटोरा खान ने तक भारत के खिलाफ भर भर के ट्वीट किए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ तक की पाकिस्तानी आवाम ने तक भारत के खिलाफ इतना दुष्प्रचार किया जितना वो कर सकते थे लेकिन इनकी दुनिया में औकात क्या है उससे पूरी दुनिया बाकी थे लेकिन फिर भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी करते हुए पाकिस्तान को आईना दिखाया भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा अल्पसंख्यकों के अधिकारों का बार बार उल्लंघन करने वाले किसी अन्य देश के अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर बयानबाजी कर रहे हैं दुनिया पाकिस्तान द्वारा हिंदुओं सिखों ईसाइयों और अहमदियों सहित अल्पसंख्यकों के लगातार उत्पीड़न की गवाह है भारत सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है जबकि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों पंतियों को सराहा जाता है और उनके सम्मान में स्मारक बनाए जाते हैं हम पाकिस्तान से भारत में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने या प्रोपेगेंडा फैलाने के बजाय अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और उनकी भलाई पर ध्यान देने का आह्वान करते हैं। भाई कुल मिलाकर इस बयान को शॉर्ट में कहें तो भारतीय सरकार का पाकिस्तान से कहना था बक ब... और भाई जिन लोगों को लगता है इन को में जैसे कोरी कोड़ी के देश के आगे भारत झुक गया तो भाई आप गलत सोच रहे हो बस थोड़ा सब्र करो जब तक जमीन में तेल है तब तक इनकी वैल्यू है जब तेल नहीं होगा और भविष्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी तो आप लोग ही इन्हें कमाने के लिए तेल चटाई देने का ऑफर दे रहे हो तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तो फ्रेंड्स वीडियो भी ख़त्म और हमने वीडियो में ये सीन देखा भी था इस बारे में पहले मैंने डिस्कशन किया था कि भाई सारे कंट्रीज एक कतर वग़ैरह ये सब तो मतलब इंडिया जो भी मतलब ये नूपुर सरमा को लेके इंडियन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर रहे हैं लेकिन मतलब इन लोग का आप वो देखो कि कितने हिपोक्रेटिक कंट्रीज़ मैं बताती हूँ जब ये बाइकआट मूवमेंट चल रहा था उस समय इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे वो वहाँ पहुँचे थे और जब वो वापस विजिट से आ रहे थे तो उनको पता है क्या कहा उन लोगों ने कि प्लीज़ हमारी फ़ूड सिक्योरिटी का ध्यान रखना भाई क्यों जब आप बाइकआउट करें तब नहीं अब फूड सिक्योरिटी का ध्यान रखना अब आ गया अवत पे इनको पता है ना कि भाई ये यूरोपियन कंट्री से ख़रीद पाएंगे नहीं कहीं से ख़रीद पाएंगे इनको यहीं से चाहिए होगा और भाई एक बात भी होती है ना कि, कि वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग रहते हो वो मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन है उनका खाना पीना लगभग इन पाकिस्तान की तरह सऊदी अरब तो फिर यही सारी चीज़ें चलती हैं वहाँ पे तो हमारे तरह खाना पीना है तो फिर यही दिक्कत है ना और दूसरी बात कि ये लोग जो मतलब ये ना इतने से मुद्दे को इतना मतलब बढ़ा चढ़ा के इंटरनेशनल मुद्दा बना देना ये सब काम पाकिस्तान का है ये मैं ये ना पाकिस्तान का भी है और कुछ इंटरनेशनल फोर्स भी काम करी वो इंडिया बस मौका ढूंढ रही वो एक मौका नहीं छोड़ रही है। एक सिंगल मौका नहीं छोड़ रही है। इस मौके इस चीज़ को लेके इंडिया को इतना वो किया इतना परेशान किया इतना दिक्कत फालतू का प्रोटेस्ट मतलब तो स्मूथ चीज़ें चल नहीं दे रही बार बार हार्डल्स ऐसे ऐसे इंडिया चल रहा है बार बार ऐसे इंडिया की ग्रोथ ऐसे होनी चाहिए ना पर इंडिया को ऐसे 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 करके चला रहे हैं वो फिर भी इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ तो पूरा कोशिश कर रही है कि चीज़ों को हर चीज़ जो चीज़ इतनी में सॉल्व हो सकती है वो इतना बड़ा बन के वो चीज़ सॉल्व हो रही है उस बड़ा बनने से टाइम जा रहा है मैन पावर लॉस हो रहा है चीज़ों का डिस्ट्रक्शन हो रहा है रेपुटेशन और ख़राब हो रही तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये सब चीज़ प्लान तरीके से हो रहा है और बार बार हो रहा है और सोचो कितने लोगों को दिक्कत हो रही है भाई इंडिया के ग्रोथ से अब इससे देखो और दूसरी बात कि भाई बात में वीडियो में सही बताया कि पाकिस्तान का कुछ और मिला नहीं थ्री सिक्सटी थ्री सिक्सटी कर थ्री सेवेंटी में तो सारे जो हुई कंट्रीज थे जितने गल्फ वो इंडिया के साथ थे पाकिस्तान बार बार कोशिश किया कि ओ में या हर समिट में ये सारा मुद्दा उठाए पर वो इस मुद्दे पे कभी कुछ बोलते नहीं थे लेकिन अब उन्होंने सोचा कि चलो प्रॉफिट की, की बेजती वाला मुद्दा उठाते हैं ये कहते हैं ठीक है अग्री कि हम किसी रिलीजन के इंसल्ट नहीं कर सकते हैं पर उन्होंने किसी स्टेटमेंट के तहत बोला था और उनको बीजेपी गवर्नमेंट वो बीजेपी के स्पोर्समैन थे उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था तो अब व्हाट एल्स दे वांट वो सिर्फ ना एक बता दो नहीं मुद्दा भड़काने वाली बात है कि भड़काया जाए भड़काया जाए और उसको मतलब इंडिया का फेम गिरा दे इंडिया का एक्सपोर्ट गिरा दे क्योंकि इंडिया आगे बढ़ते जा रहा है ना अब देखो ना उनको अभी मैं एक रिसेंट एग्ज़ाम्पल बताती हूँ ये जो आई पी एल है आई पी एल कि आपको पता है मीडिया राइट बहुत महंगा बिका है वो ई को भी टेक ओवर कर लिया है तो इस तरह से तो अब अब क्या है पहले आई पी एक डेढ़ महीने का होता था अब उसको दो महीने ढाई महीने के बनाने के की कोशिश कर रहे हैं तो पाकिस्तान चाह रहा है कि उसके एक्सपेंशन को ब्लॉक कर दिया जाए वो किसी भी वे में इंडिया का प्रोग्रेस बर्दाश्त ही नहीं कर सकते तो उनको पचता ही नहीं है एक तो गरीब देश है वहाँ पे अभी वहाँ की गवर्नमेंट तो चाय पीने के लिए लोगों से मना कर रही है वो क्या चाहते हैं अपना देख लेना दूसरों में झाँक झाँक के दूसरों का बर्बाद करने के चक्कर में खुद बर्बाद हुए जा रहे हैं पर अकल नहीं आ रही उनको अभी जहाँ तक गल्फ कंट्रीज है तो इनको ये पता है इनकी अक्ड़ थोड़े दिन की है जैसे तेल ख़त्म खेल ख़त्म वाला सीन होगा देखते हैं आई होप कि उनको वक्त रहते अकल आ जाए नहीं तो फिर जो होगा वो तो सबके सामने ही होगा तो फिर बस इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आप कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय टेक केयर